पहचानते हैं आप? जी हाँ, इन्हें आपने कई फेमस शो जिसमें कहानी घर घर की, कुसुम और कुमकुम एक प्यारा सा बंधन जैसे टीवी शो भी शामिल है जिसमें इन्होंने निभाए थे खूब दमदार किरदार। जी हाँ, इनका नाम है श्वेता कवात्रा, जो अक्सर हंसती मुस्कुराती ही दिखाई देती हैं। उनके चेहरे से मुस्कान ओझल नहीं होती। वैसे तो श्वेता लंबे वक्त से टीवी से दूर है, लेकिन इस वक्त वो एक खुलासे की वजह से काफी लाइमलाइट में आ गई है। दरअसल श्वेता अपनी ही जान लेना चाहती थी। जी हाँ, जाहिर तौर पर अब आप भी इसके पीछे के कारण को जानना चाह रहे होंगे। तो इसका खुलासा कुछ वक्त पहले श्वेता ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में किया था और बताया कि कैसे उन्हें पैनिक अटैक्स आते थे और सुसाइड करने के विचार उनके मन में घूमते रहते थे। श्वेता ने बताया था, मैं सिर्फ लो ही फील नहीं कर रही थी, मुझे ब्रेन फॉग था, मुझे पैनिक अटैक आते थे, मैं बिना किसी कारण के गुस्सा हो जाती थी, मैं खुद को हेल्पलेस महसूस करती थी, मैं सुसाइडल थी और ये एक बहुत ही होपलेस सिचुएशन थी। वहीं श्वेता की दोस्त और सिंगर ईला अरुण ने भी श्वेता को लेकर ये बड़ा खुलासा न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में किया। ईला ने बताया, मैं 7 बहनों वाले परिवार से ताल्लुक रखती हूँ और मेरी माँ हमेशा सपोर्टिव थी। पुराने दिनों में महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद उनको अपनी फैमिली के पास भेज दिया जाता था ताकि उन्हें सहारा मिल सके, लेकिन वो न्यूक्लियर फैमिली से हैं, उनके लिए वहाँ कोई नहीं है, तो ये डिप्रेशन आना लाजमी है। ईला अरुण ने आगे बताया, हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त श्वेता क्वात्रा है, वो तो इस डिप्रेशन से 5 साल गुजरी है, वो खुद को मारने के लिए भी तैयार थी, हालांकि अब उसने अपनी इन परेशानियों पर काबू पा लिया है और आज ऐसी स्थिति में है जहां वो नई माओं के साथ अपने विचार शेयर कर सकती है। माँ बनना भगवान का आशीर्वाद है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हार्मोनल, सोशल और इमोशनल चेंजेस के कारण महिलाओं को ये सब झेलना पड़ता है। वहीं श्वेता क्वात्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया था कि उनके फैंस को इस बात से हैरानी होती है कि वो अब स्क्रीन पर क्यों नहीं दिखती। एक्ट्रेस ने इसका कारण पोस्टमार्टम डिप्रेशन बताया था, मगर वो अब ठीक हो गई हैं और लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। प्रेगनेंसी के बाद श्वेता का वजन 30 किलो बढ़ गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने टीवी शो बालवीर किया था। इंटरव्यू में श्वेता ने बताया था, मैंने बालवीर किया क्योंकि मैंने सारा आत्मविश्वास खो दिया था। डिप्रेशन में आप खुद को सबसे अलग करना चाहते हैं, आप अपने बारे में बहुत सचेत महसूस करते हैं और आप बहुत ही अजीब महसूस करते हैं, लेकिन इस शो के बाद उन्हें अपना खोया कॉन्फिडेंस वापस मिल गया है और श्वेता आज इन मुश्किल हालातों से बाहर आकर लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर सामने आई हैं।